नगर पंचायत लालकुआ में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत ने 30 लाख की लागत से पूर्व में खंडहर में तब्दील हो चुके क्रियाशाला को एक नया रूप देते हुए पुस्तकालय में तब्दील किया है। इसके अलावा एक वर्ष से तैयार ओपन जिम का भी लोकार्पण किया गया। नगर पंचायत ने नई पहल करते हुए RRR सेंटर स्थापित किया, जहां कोई भी व्यक्ति जरूरतमंदों के लिए कपड़े दान कर सकता है और जरूरतमंद कपड़े ले जा सकते हैं। इसके साथ ही बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण भी किया गया, जिसमें कबाड़ से बनी तोप और प्लास्टिक की बोतलों से तैयार डिजाइन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अतिथियों ने लाइब्रेरी, ओपन जिम और RRR सेंटर का निरीक्षण करते हुए फीता काटकर शुभारंभ किया। सांसद और विधायक ने नगर पंचायत अधिकारी राहुल सिंह के कार्यों की सराहना की और पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशंसा की। कार्यक्रम में नगर पंचायत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, साथ ही सफाई कर्मियों को वर्दी का वितरण भी किया गया। लाल कुआं नगर पंचायत भविष्य में आदर्श नगर पंचायतों में आने वाली है। सारी चीजें इसमें अभिनव प्रयोग किए गए हैं। देखिए, पुस्तकालय यहाँ बच्चों के लिए खोला गया है, जो आज तक नहीं था, और ओपन जिम 8 लाख रुपए का बहुत पहले खुल गया था, उसको आज हमने लोकार्पित किया, केंद्र की सहायता से आया है। जिसके अनुपयोगी कपड़े हैं या ज़्यादा हो गए हैं या बंद पड़े हैं, फ्री में जमा होंगे, फ्री में दिए जाएंगे। रिसाइकिल भी किया, रीयूज भी करा और रिड्यूस भी कर रहे हैं, हम कम भी कर रहे हैं जो गंदगी और जहाँ जहाँ पर है और कूड़ा करकट है, उसको कम भी कर रहे हैं। लालकुआ नगर पंचायत ने ये जहाँ हम खड़े हैं इस पार्क का निर्माण किया है, और जिसमें बिल्कुल जो बिल्कुल बेकार चीज़ें थी, वेस्ट जो चीज़ें थी, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके बेंच से लेकर ये चबूतरे तक और ये तोप गाड़ी तक हर चीज़ का निर्माण किया है। ऐसे ही एक जो जगह यहाँ पर निष्प्रयोज पड़ी थी काफ़ी लंबे समय से, उसमें लाइब्रेरी खोलने का काम हम लोगों ने किया है। बच्चे आज वहाँ पर बड़ी संख्या में आकर पढ़ रहे हैं। इस तरह के कार्यों से न केवल युवा पीढ़ी सशक्त होगी, बल्कि विकास के नए कार्य भी यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।